6 से 12 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मकर राशि वाले जातकों के लिए बात कर रहे हैं, तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें 6 तारीख की, तो 6 को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में ऐसे में इनका गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में होने से अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा काफ़ी अच्छा है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, अचानक आपको लाभ की प्राप्ति होगी, साथ में प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, फैमिली के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और हालांकि कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी बनते हैं। तो आप अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं। साथ साथ में अगर आप किसी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड वाले वाहन की सवारी करते हैं तब भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब अष्टम में चंद्रमा आए हैं तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी आपके ऊपर रहेगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट में रहेगा, रिसर्च में रहेगा और कुछ अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं हमारी लाइफ में जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं आपको इस समय देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है, कोई विवाद चल रहा है वो दूर होगा, आपको पैतृक संपत्ति में काफ़ी अच्छी सहायता चंद्रमा से मिल सकती है। इसके अलावा आपके इन-लॉज से संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, अगर उनसे कोई विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी आपको दे सकते हैं। अगर कुंडली का चंद्रमा काफ़ी अच्छा है तो निश्चित रूप से ये चंद्रमा आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और ऐसे में चंद्रमा जब सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं तो धन की वृद्धि करने वाले हैं और आप कोई प्रॉपर्टी संबंधी गेन इस समय देख सकते हैं। फैमिली के साथ आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी बेहतर होगा, फैमिली के लिए आप काफ़ी कुछ करने वाले हैं। इस समय चंद्रमा का प्रभाव आपकी वाणी पर भी रहेगा, ऐसे में आप किसी के साथ भी अगर बातचीत करते हैं, किसी के साथ भी बिहेव करते हैं तो आपका बिहेव काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसके साथ ही आप अपने किसी भी कार्य को किसी से करवा सकते हैं, अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आप अगर कोई गीतकार संगीतकार अगर हैं तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही खान पान में कुछ ना कुछ परिवर्तन संभव है, तो जो भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं वो आपको अपनी सेहत के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है काफ़ी फायदा भी आपको दे सकती है। इसके बाद 7, 8 और 9 तारीख यानी 3 दिन के लिए चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे, जहाँ ये आपके नवम भाव में रहने वाले हैं। अब नवम भाव में रहने वाले हैं तो आपको भाग्य जरूर साथ देगा। इस समय कुछ लंबी दूरी की यात्राएँ हो सकती हैं, आप अपने फैमिली के साथ कहीं दूर का टूर कर सकते हैं। वो टूर किसी धार्मिक पर्पज़ के लिए हो सकता है या वैसे ही घूमने फिरने के लिए हो सकता है। इस समय पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपका अच्छा मन लगेगा। साथ में आप किसी से कोई सलाह लेना चाहते हैं, आप अपने किसी को आप गुरु मानते हैं तो उनसे कोई सलाह ले सकते हैं। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी कोई सलाह ले सकते हैं। इस समय आपके फादर से आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, विशेषकर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो अध्ययन करते हैं वो अपनी कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की। उनको कोई ना कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस समय अपने खुद के स्टेट में जाना पड़ सकता है या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा फॉरेन टूर का भी चांस बनता है। अब चंद्रमा यहाँ से थर्ड हाउस को देखेंगे, तो थर्ड हाउस को देखने से आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। आप अगर कम्युनिकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं या किसी भी अन्य माध्यम से हैं या फिर पत्रकारिता में आप हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ये चंद्रमा आपको जोखिम भरे कार्यों में नहीं जाने देगा, साथ में हालांकि काफ़ी एक्टिव रखेगा तो इधर उधर की कुछ छोटी यात्राएँ भी हो सकती हैं, लंबी यात्राएँ भी हो सकती हैं। साथ में भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ और जो आपके रिलेटिव हैं उनसे संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। उनसे आपका कोई ना कोई काम पड़ सकता है जिसकी वजह से आप उनसे बातचीत करेंगे, आप उनको कॉल करेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो ये जो समय है वो अपने रिश्तेदारों के साथ या पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने का भी रहेगा। इसके अलावा जो लोग राइटर हैं उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस चंद्रमा के गोचर से मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा की जो स्थिति है 10 और 11 को एक बार फिर से चेंज होगी और वो तुला में चले जाएंगे। तुला में ये आपके 10th हाउस में रहने वाले, तो ऐसे में जॉब को लेकर बेहतर होगा। अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जॉब मिलेगा। इसके अलावा जॉब को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपका जॉब चेंज हो सकता है। प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप मान लीजिए अपने करियर के बारे में कोई भी प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए,
वो भी आप कर सकते हैं। तो करियर के संबंध में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा समय है। आप हालांकि अपने जॉब को लेकर थोड़े परेशान जरूर रहेंगे, काफ़ी सारी कल्पनाएं आप अपने काम को लेकर जॉब को लेकर करने वाले। इसके साथ साथ जिन लोगों के अपने बॉस से संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहे हैं उनके संबंध अच्छे होंगे। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपके काम की सराहना होगी और आप अगर अतिरिक्त कार्य करते हैं इसका लाभ आपको जरूर होगा। तो चंद्रमा का जो यहाँ से एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगा। ऐसे में घर से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें भी आप सफल रहेंगे, आप घर से बहुत अच्छा लगाव रखेंगे, घर से जुड़े रहेंगे, तो घर के जो भी कार्य हैं उनमें आपके जो निर्णय होंगे वो सही साबित होंगे। साथ में कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना हो या कोई अन्य कार्य आपको करना हो घर से जुड़ा, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी माता जी से आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपने घर का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। इसके अलावा मन में चंद्रमा आपको काफ़ी अच्छी सोच देगा, पॉजिटिव थिंकिंग देगा और आपका मन काफ़ी पॉजिटिव सोचेगा। ऐसे में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मन में चंद्रमा शांति देगा और किसी भी प्रकार से अगर आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो आपको सुकून मिलेगा। इसके बाद 12 तारीख की अगर बात करें तो चंद्रमा यहां से एक राशि आगे बढ़ जाएंगे जहां वो आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे और वो केतु के साथ युति भी करने वाले हैं और राहु जो कि पंचम भाव में चल रहे हैं तो राहु की जो दृष्टि है वो भी चंद्रमा पर पड़ेगी। ऐसे में कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धन लाभ देखने को मिल सकता है, कहीं पर पैसा अटका हुआ है वो मिल सकता है, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है वो दूर होगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, संतान को लेकर जो भी समस्याएं चल रही हैं वो आपकी दूर होंगी। इसके अलावा खुद की पढ़ाई और अपनी संतान की पढ़ाई के बारे में आप कोई भी प्लान कर रहे हैं वो आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। हालांकि यहाँ पर केतु के साथ चंद्रमा युति कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिव विचार भी मन में उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ निराशावादी भाव भी आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन आप इनसे दूर रहें। तो चंद्रमा का ये जो गोचर रहेगा अंतिम दिन का काफ़ी खास आपके लिए रहने वाला है। अगर इस वीक में देखा जाए तो मकर वालों के लिए जो शुभ अंक बनता है वो बनता है 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा काला रंग। फिलहाल वीडियो में इतना ही।